वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं अभी दरभंगा में हूँ और यहाँ पे घूमने आया हूँ श्यामा मंदिर। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ यहाँ का श्यामा मंदिर किस प्रकार है और कैसा है। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों जो भी देख रहे हैं कैंपस, वो दरभंगा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर श्यामा मंदिर का कैंपस है। और ये सामने वोटिंग वगैरह हमेशा ही होते रहता है, आप भी आ सकते हैं, वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। और जो ये देखिए, यही है श्यामा मंदिर। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं वो आपको प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा, कि चाहे छुट्टी का दिन हो या फिर काम का दिन हो, इतना भीड़ हमेशा रहता ही है। पर आपको भी इसके इतिहास के बारे में जाना होगा तो चैनल पर बने रहिएगा कि मंदिर ये बना था कैसे। सामने रहा मंदिर का मेन द्वार। तो दोस्तों श्यामा मंदिर के इतिहास के बारे में बता दूँ तो ये जान के आपको बहुत ही अच्छा होगा। जो ये श्यामा मंदिर है जो दरभंगा महाराज थे उनके चिता पे बना हुआ है। तो जब आप कभी आइएगा तो आप जब मंदिर के दक्षिण भाग में जाइएगा तो वहाँ पे अभी भी वो तप महसूस होगा, चाहे कड़ाके की ठंड क्यों न पड़ रही हो या गर्मी, आपको अभी भी वो तप महसूस होगा चिता का। तो फिर चल के श्यामा माई का दर्शन किया जाए और आपको भी दर्शन कराया जाए, तो फिर चलते हैं। तो ये रहा श्यामा माई का प्रतिमा जो आप देख सकते हैं और कितना खूबसूरत प्रतिमा बनाया हुआ है। तो चलिए फिर आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं क्या क्या सब है। तो दोस्तों मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले ये दुकान से है, यहाँ से आप प्रसाद और माता के लिए चुन्नी ले सकते हैं, फिर आप जाके उन चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर थोड़ा दूरी मनकामना मंदिर है तो वहाँ पे चल कर दर्शन किया जाए और आप लोगों को भी कराया जाए। तो फिर चलिए वहाँ पे चलते हैं मनकामना मंदिर। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये रहा मनोकामना मंदिर जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप दिल से जो मांगिएगा जरूर पूरा होता है। तो दोस्तों मनोकामना मंदिर के बारे में बता दूँ, कहा जाता है कि आप अगर सच्चे दिल से जो मांगिएगा वो अवश्य पूरा होता है। और पहले यहाँ पे दीवार है वहाँ पे अपने हाथों से भक्तगण लिखते थे, लेकिन अब वो बैन हो चुका है, आप हाथ से कुछ भी नहीं लिख सकते दीवार पर। आप अपने मन से जो मांगे वो बस पूरा होता है। अब सब जब भी कभी भी आइएगा यहाँ पे ज़रूर आइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।